गुड मॉर्निंग पिला माने मु तुम मानको ई सुविधा कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आमे आज चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाठ शिल्पर विकास विषय पढ़िबा। शिल्पर विकास रे आमे कौन कौन बुझिबा ना शिल्प विकास रे हरेकृष्ण महताब भूमिका कौन थिला आउ कुटीर शिल्प और क्षुद्र शिल्पर विकास किपरि आम ओडिसा रे घटीथिला से विषय रे आज आमे पढ़िबा। स्वाधीनता प्राप्ति बेलू ओडिशारे कल कारखाना रो संख्या थिला अति नगण्य अर्थात अति कम किंतु ओडिशा थिला प्राकृतिक खनिज संपद रे भरपूर एक राज्य। शिल्पायन पाई आवश्यक लोकशक्ति बा मानव संबल मध्य पर्याप्त परिमाण रे परिलक्षित थिला बा उपलब्धि थिला ओडिशारे किंतु दुईटी मुख्य कारण जोगुं ओडिशा रे शिल्पायन होई पारी नथिला। से दुईटी कारण कौन जानिच? प्रथम कारणटी होची उद्योगपतिंक अभाव। उद्योगपति अर्थात शिल्पपति जो माने कि से कलकारखाना को परिचालित करंती सेमानुकु आमे उद्योगपति बोली कहू। प्रथमटी हला उद्योगपतिंक अभाव आ द्वितीयटी हला पूंजीर अभाव। पूंजी अर्थात अर्थ। उद्योग प्रतिष्ठा करिबा पई बा शिल्प प्रतिष्ठा करिबा पई आमको अर्थर निहाती आवश्यकता रही। तेणु दुईट जाक कारण जो आम ओडिशा रे शिल्पायन हो पारी नथिला। ओडिशा भितरु बा बाहरु केही व्यक्ति पूंजी निवेश करिबा पई आम ओडिशा रे आग्रही नथिले। ये भी मध्य गोटे कारण आम कही पारिबा। कारण ओडिशा रे भी जेते सेते बले अति कम संख्याक शिल्पपति थिले भी सेमाने शिल्प प्रतिष्ठा पई आग्रही नथिले बा शिल्प रे पूंजी निवेश करिबा पई केही आग्रही नथिले। ओडिशा रे नथिले भी ओडिशा बाहर रो बा भारत रो कोनसे शिल्पपति ओडिशा रे पूंजी निवेश करिबा पई मध्य आग्रही नथिले। तेणु यही सब कारण पिला माने सेते बले शिल्प आम स्वाधीनता प्राप्ति परे ओडिशा रे शिल्पर विकास एते भलो भाबरे होई पारि नथिला। किंतु आमे देखिबा जेतेबेळे हरेकृष्ण महताब ओडिशा रे मुख्यमंत्री पद संभालिले तापरे से किभळी ए शिल्प को विकास दिगरे आगे नेले से विषय रे आमे एबे पढ़िबा। 1946 रे हरेकृष्ण महताब नेतृत्व रे द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल दायित्व से मुख्यमंत्री हिसाब रे दायित्व नेले। से मुख्यमंत्री हेबा परे शिल्पर विकास पाई प्रचेष्टा आरंभ कले। से जानिथिले जे ओडिशार शिल्पर विकास पाई किछि मौलिक सुविधा उपलब्धि थिले मध्य एही ओडिशा रे शिल्पर विकास पाई अनेक किछि प्रतिबंधक मध्य रहिथिला। से प्रतिबंधक अर्थात बाधा। प्रतिबंधक अर्थात बाधा की सब प्रतिबंधक रहिथिला। प्रथम प्रतिबंधक थिला शिल्प विकास पाई आवश्यक भित्तिभूमिर अभाव। द्वितीयटी हला भारतर शिल्पपति मानकर ओडिशा को आसिबा को अनाग्रह। तृतीयटी थिला ओडिशार निजस्व शिल्पोद्योगीक अनुपस्थिति। चतुर्थटी थिला ओडिशा रे प्रशिक्षित मानव संबलर अभाव। एवं पंचमटी थिला ओडिशा रे प्रशिक्षित ओडिशा रे रेलपथर अनग्रसरता और पोताश्रयर अभाव। ये सबु गुड़िक प्रतिबंधक जोगु ओडिशा रे शिल्पर विकास घटी नथिला। ये सब को अनुध्यान कले किए आमर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब। तेणु से आरंभ कले प्रचेष्टा एवं से शिल्प प्रतिष्ठा पई बहुत गुड़िया पदक्षेप नहींथिले। 1949-50 मसीहार आर्थिक वर्ष रे जयपुर विशाखापाटना मध्यरे सुनकी व जयपुर रास्ता को उन्नतीकरण कराइथिले एवं तार उन्नतीकरणर व्यवस्था मध्य करथिले। 1949-50 रे टिटलागढ़ व जगदलपुर रेलपथ एवं खोर्धारु सोनपुर देई बलांगीर रेलपथ सर्वे कार्य आरंभ होइथिला। ओडिशा रे थिबा चांदपाली गोपालपुर और धामरा पोताश्रयर उन्नतीकरण करा जायथिला। ये सब तांकरी तत्वावधान रे अर्थात महताब तत्वावधान रे सब होइथिला। एवं शक्ति जोगाण पाई चौद्वार और ब्रह्मपुर रे से दुईटी तापज विद्युत उत्पादन केन्द्र प्रतिष्ठा करथिले। एवं या छड़ा
माछकुंड ओ हीराकुद नदीबंध योजनार कार्य मध्य तांकरी समय रे आरंभ होइतिला जा मु गत क्लास रे तुमको जणाइथिली 1946 रे सेटा आरंभ होइतिला एवं 1956 मसिया रे तार कार्य शेष होइतिला एवं 1957 मसिया रे एई नदीबंध योजना कार्यकारी होइतिला कार्य आरंभ करथिला एवं एबे आमे जिबा कुटीर शिल्प एवं क्षुद्र शिल्पर विकास पिला माने तुम्हें सब जानिछ शिल्प केवल बृहत शिल्प प्रतिष्ठा कले आम देश बा राज्यर प्रगति संभव नुहे कहीं कुटीर शिल्प बा क्षुद्र शिल्पर विकास बिना ओडिशार विकास असंभव तेणु कौन करथिले आमर तत्कालीन मुख्यमंत्री महताब कौन करथिले शिल्प विद्यालय मानकर कुटीर शिल्प बा क्षुद्र शिल्पर विकास किसी पदक्षेप नहींथिले सेगुड़िक हला ना ये जो शिल्प विद्यालय गुड़िका सेठे छात्र छात्री मान तंत कम बढ़ई कम एवं सिलई कम तालीम प्रदान करवस्था करपर से कौन करीगर मानू साड़शा राज्य सहायता नियम व्यापक पर तृतीय हस्तंत्र सुना रूपार तारकसी कम चमड़ा कम और रेशम शिल्पर विकास व्यवस्था करते से सबर बिक्री बजार व्यवस्था से करते 1947-48 मसीह बुणाकार समवाय समितर संख्या थिला 133 मात्र 133 एवं से सेगुड़ी को पुनर्जीवित करागला एवं ताकु कार्यकारी कराइले ये सबू छड़ा दिल्ली रे थिबा कुटीर शिल्प संग्रहालय रे एक ओडिशा विनियोग करी शिल्प प्रतिष्ठा उद्योग उद्यम आरंभ होइतिला ओडिशा विनियोग करी शिल्प प्रतिष्ठा ये जो यार उद्यम आरंभ करथिले अर्थात ओडिशार स्वतंत्रता वा शिल्प क्षेत्र रे ओडिशार प्रतिष्ठा को जाहिर करबा पई दिल्ली रे मध्य से तांकर प्रचेष्टा जारी रखिथिले अधिकरु अधिक ओडिया शिल्प कारखाना रे कार्य करने को सेतेबेले आगे आसिले लोक माने ओडिया ओडिया लोक माने जानिले जे आमर शिल्पर विकास रे आमर विकास एवं आमे कल कारखाना मानक कार्य करी किछि रोजगार करी परबा तेणु से माने वर्तमान आगे आसिले आग्रह सहित कार्य करने को विभिन्न कल कारखाना रे आगे आसिले एवं कौन है ना 1951 मसीह कौन है ना जेतेबले ओडिशा रे समुदाय शतकड़ा मात्र 7.14 भाग श्रमिक काम करथिले केबे ना 1951 मसीह 1951 मसीह श्रमिक कार्य करथिले केते ना 4.1 नहीं कि 7.14 7.14 भाग श्रमिक कम करते केत 1951 कि तार ठीक 10 वर्ष पर अर्थात 1961 मसीह बेलू यहाँ बढ़ी जा 8.05 पहुँची श्रमिक मानकर कार्य कर संख्या ये शतकड़ा यह शतकड़ा एत भाग श्रमिक 1951 कम करते कि 1961 बेलू दस य प्राय 10 वर्ष भितर एति बढ़ी जा तुम यूर अनुमान कर जे श्रमिक मैंने किभली आग्रह सहित कार्य करने को आगे आसी 1984-85 मसीह बेलू आम ओडिशा रे श्रमिक मानकर संख्या थिला प्राय 3,90,000 1984-85 बेलू ओडिशा रे श्रमिक संख्या थिला केते ना 3,90,000 संख्यक श्रमिक कौन करथिले काम विभिन्न कल कारखाना रे ओडिशा रे कार्य करथिले विंश शताब्दी सप्तम दशक रे प्रतिष्ठा हला पारादीप बंदर ए पारादीप बंदर जेतेबेले प्रतिष्ठा हला प्रथमे एठारु केवल लुहा पथर रप्तानी करा जाउथिला किंतु 1975 रे पारादीप को रेल लाइन सहित संयुक्त करागला 1975 रे पारादीप रे कौन हला ना रेल लाइन पारादीप को रेल लाइन सहित संयुक्त करागला जहाँफल यार संयुक्त करागला
तेणु कौन है ना यार कार्य अधिक परिमाण में बढ़ला एवं आमर शिल्पर विकास घटला एवं 2000 बेलू आमर ओडिशारे गंजाम जिलार गोपालपुर ठारे अन्य एक बंदर बा पोताश्रय निर्माण कार्य आरंभ है जहाँ वर्तमान कार्य चालू रखी तेणु पिलामने एथि सहित तुम्हें बुझिल आम ओडिशारे शिल्पर विकास किभली होइतिला एवं आम परवर्ती क्लास रे आमर परवर्ती विषय सब पढ़ा आज पई एति धन्यवाद।